हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, यूट्यूब पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम की बात करें तो वो होता है कि यूट्यूब पे वीडियो फाइंड कैसे करें, वीडियो के लिए टॉपिक्स फाइंड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप टॉपिक अच्छा फाइंड करते हो तो ही आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करता है। मान लीजिए आप सीधे वीडियो बनाते रहते हो, ऐसे में यूट्यूब चैनल भी कभी ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप कोई अच्छा टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हो। तो अगर आपका टॉपिक्स अच्छा रहेगा तो आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा। एज यूजुअली आप लोग मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो, मेरा व्यूज़ बहुत सारे वीडियोज़ पे कम आता है। बीच बीच में देखना कि सारे वीडियोज़ पे 100K+ व्यूज़ रहते हैं, ठीक है, 1,00,000+, लेकिन कई वीडियोज़ में थोड़ा कम हो जाता है। रीज़न ये है कि वो टॉपिक ही अच्छा चूज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम में ट्राई करता हूँ कि टॉपिक कुछ ऐसा हो जिसमें अच्छा व्यूज़ आ जाए और बाद में फिर उसमें एवरग्रीन टाइप का वीडियो हो और फिर लाइफ टाइम व्यूज़ आता रहे। तो ये चैनल ग्रोथ के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है वीडियो टॉपिक्स फाइंड करना। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को 5 पॉइंट के अनुसार मैं बताऊंगा, 5 पॉइंट्स वीडियो टॉपिक्स फाइंड करने के लिए कि आप कहां कहां से वीडियो टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो, वो भी अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक्स। तो गाइज, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है गाइज, वो होता है कि आप खुद का चॉइस के अनुसार वीडियो कभी मत बनाना, इससे कभी भी आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑडियंस को भी पसंद आएगा। आपको हमेशा ऑडियंस के हिसाब से चलना है, ना ही खुद के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई वीडियो टॉपिक बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब उस वीडियो को हम लोग अपलोड कर देते हैं तो उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। रीज़न ये होता है कि वो टॉपिक ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से जाना होगा, पब्लिक के हिसाब से जाना होगा कि अभी यूट्यूब पे लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या देखना अच्छा वो लोग को लगेगा। लाइक ये हर एक कैटेगरी में अलग अलग है, आप अपने कैटेगरी के ऑडियंस को देखना होगा कि वो लोग क्या देखने के लिए पसंद कर रहे हैं। उसी तरह आपका जो भी कैटेगरी है, लाइक आपका ब्यूटी चैनल हो, आप अगर वुमेन्स हो, आपका कुकिंग चैनल हो, आपका टेक चैनल हो, आपका कॉमेडी चैनल हो, कुछ भी हो, आपका ब्लॉग चैनल हो, तो आपको देखना होगा कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला आपको अपने मनमर्जी से नहीं चलना है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट, सेकंड जो है सबसे बड़ा सोर्स के बारे में आज मैं बात करूंगा, जहां से आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो, वो ये है कि आप कोई भी अपने कैटेगरी के कोई बड़े यूट्यूब क्रिएटर के चैनल पर चले जाना, उसके वीडियो पर चले जाना और उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को रीड करना। वहाँ पर देखना कि उनके ऑडियंस जो है बहुत सारे कमेंट्स पे क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप उनमें से कोई एक टॉपिक फाइंड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा जरिया है वीडियो टॉपिक्स फाइंड करने का। कभी कभी ये चीज़ मैं भी करता हूँ, ठीक है, मैं किसी का वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो पर जा करके उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम आ रहा है और मैं कोशिश करता हूँ उस प्रॉब्लम के ऊपर में वीडियो बनाने की और उसको सॉल्व करने की। इससे मेरा वीडियो टॉपिक भी मिल जाता है, प्लस मेरा चैनल भी ग्रो करता है। टॉपिक भी मुझे एकदम अच्छा सा मिल जाता है, प्लस लोगों को भी पसंद आती है, क्योंकि वो इशू सबके साथ होता है, वो प्रॉब्लम बहुत कोई के साथ होता है। तो ये सेकंड नंबर का था जहाँ से आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो। अब चलेंगे थर्ड नंबर की ओर, वो ये है कि हमेशा कई स्मॉल क्रिएटर्स को भी फॉलो करना। स्मॉल क्रिएटर्स का मतलब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो यूट्यूब पे नए हैं, जिनका यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है, उनका वीडियो देखना कि बहुत कोई नहीं देखते हैं, सब नहीं देखते हैं। तो कई ऐसे भी यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनका सब्सक्राइबर वाले कम हो, उनको वो क्रिएटर छोटा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका नॉलेज कम है, वो वीडियो अच्छा नहीं बनाता है। आज मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर और किसी का 10K सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ज़्यादा नॉलेज है और उसका कम नॉलेज है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके 10K सब्सक्राइबर है लेकिन उसका मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। ये सब बोलने में मैं कभी कतराता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कोई की ईगो में लगता है कि नहीं मैं ऐसा क्यों बोलूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, ये ऐसा मैं कभी सोचता ही नहीं। मैं छोटे बड़े क्रिएटर सबका वीडियोस देखता हूँ, चाहे वो 2000 सब्सक्राइबर वाला अगर कोई यूट्यूबर या फिर 2 मिलियन वाला हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से वीडियोज़ देख लेता हूँ। तो ऐसे में गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई ऐसे क्रिएटर होता है जिनका सब्सक्राइबर बेस भले कम है लेकिन उनका वीडियो टॉपिक्स बहुत अच्छा होता है, वो वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उनका वीडियो ज़्यादा ऑडियंस तक रीच नहीं जाता। तो आप वैसे वैसे कई यूट्यूब चैनल्स को फाइंड कर सकते हो जो अच्छे वीडियोस बनाता हो, और उनके वीडियोस को देख करके आप भी टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा, और फिर अपने आप अपने तरीके से वीडियो बना सकते हो उसी टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि उसी का कॉपी कर लेना है, आप उनका वीडियो देख करके अपने हिसाब से उस वीडियो को बना लेना है। ये था दोस्तों थर्ड नंबर का पॉइंट। अब चलते हैं गाइस फोर्थ नंबर के पॉइंट की ओर। अब गाइस जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है ये है, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है वीडियो टॉपिक्स पाने का, वो ये है कि आप YouTube पे वीडियो बनाते हो तो आपका टॉपिक्स भी YouTube पे ही मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होगा, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, YouTube हो। आपको अगर YouTube पे काम कर रहे हो तो आपको YouTube पे तो एक्टिव रहना ही है, साथ साथ में आपको इंस्टा, ट्विटर ये सब भी एक्टिव रहना होगा, उससे भी बहुत सारा वीडियो टॉपिक्स मिल जाता है। लाइक
मान लीजिए कि पबजी बैन हुआ, तो पबजी तो बैन हुआ था तो वो तो अनाउंसमेंट क्विकली हुआ था, वो भी अचानक से हुआ था। और सबसे पहले कहाँ अनाउंसमेंट होता है? ट्विटर पे होता है। आप अगर उस टाइम ट्विटर पे एक्टिव रहते तो आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाता कि पबजी बैन हो गया। और अगर उस टाइम आप सबसे पहले आप वीडियो बनाते तो आपका वीडियो हो सकता था उस टाइम वायरल हो जाए। ये बहुत फैक्ट कहता है कि आप सबसे पहले कितना जल्दी किसी ट्रेंड वाले न्यूज़ को, किसी जल्दी वाले न्यूज़ को जल्दी कितना जल्दी आप बना सकते हो। तो ये वाला चीज़ बहुत है कि आपको सोशल मीडिया पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप सुबह एक वीडियो आपने सोच लिया और वीडियो बना करके फिर आप अपने काम पर बिजी हो, कोई किसी चीज़ पर कोई किसी चीज़ पर, ऐसा करने से नहीं होता। आपको हमेशा कोशिश करना है कि वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने का। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगा, उतना जल्दी आपको टॉपिक्स मिलेगा, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको एक्टिव रहने से ही मिलता है। और आप ट्रेंडिंग टॉपिक को जितना जल्दी कवर करोगे आपका चांसेस बनता है कि आपका उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होने का, और उससे आपका चैनल भी बूस्ट मिलता है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आपको फाइंड करना है, बेस्ट टॉपिक फाइंड करना है, तो आपको हमेशा ऑलवेज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा। ये था गाइस फोर्थ नंबर का पॉइंट। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट। ये है कि आप हमेशा अपने से, अपने कैटेगरी के जो बड़े क्रिएटर हैं उनके चैनल को एनालाइज जरूर करना कि वो आखिर जो है इतना बड़ा बना तो वो पहले कैसे वीडियोज बनाता था, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो कैसे वीडियोज बनाता था। ये चीज़ आप जब फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा कि नॉलेज मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे वीडियो बनाया था, ये पहले अपने घर का वीडियो बनाया था, या फिर ये अपने पहले सेटअप का वीडियो। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबका नहीं दे रहा, आपको अपने कैटेगरी के सबसे बड़े क्रिएटर को देखना होगा। सबसे बड़े नहीं मतलब बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा यूट्यूबर जिनका ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनको ही देखना, ऐसा नहीं। बड़े बड़े जो भी बिग क्रिएटर है जिनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, उनके चैनल को एनालाइज करना है, उनके वीडियोस को, पुराने वीडियोस को सर्च करके देखना है कि आखिर वो वीडियो कैसे बनाते थे, क्या करते थे उस टाइम। तो इससे आपको नॉलेज मिलेगा, अपने चैनल को ग्रो करने में। और गाइज मैंने तो 5 पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए। एक एडवांस में मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, मैंने पहले भी इस बारे में जिक्र किया हुआ है कि हमेशा वीडियो बनाता है सब कोई, जो भी वीडियो बनाता है, सारे क्रिएटर्स जो वीडियो बनाता है वो कॉमन वीडियो होता है, मतलब जो एक वीडियो बना है उसी पे सारे वीडियो क्रिएटर्स बनाते हैं। लेकिन कई ऐसे वीडियोज हैं जो कि YouTube पे नहीं है और वो चीज़ आपको देखने में सुनने में छोटा लगता है। लाइक आपको अगर बोलेगा कि YouTube पे सेटिंग या फिर YouTube पे इंटरनेट कैसे इनेबल करें, तो ये चीज़ आपको छोटा लगता है क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन बार को घींच करके इनेबल हो जाता है डेटा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि नया स्मार्टफोन खरीदे हैं, उनको डेटा ऑन करना भी नहीं आता। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो टॉपिक्स भी आप लोग जो है वीडियो बना सकते हो। ये सब सर्चेबल टॉपिक्स होता है और इन पे बहुत, मैंने सब वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर आप बनाओगे तो आपका वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आने की चांसेस बनता है, आपका वीडियो रैंक करने का चांस बनता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था एक बार, ठीक है, कि आप छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स भी फाइंड कर सकते हो और उन पे वीडियो बना सकते हो, इनसे भी चैनल ग्रो होता है। कई वीडियो जो वायरल भी हो जाते हैं ऐसे, जो आपको देखने में सुनने में कॉमन लगेगा कि यार ये क्या बनाया है, ये तो सबको पता है। नहीं, आपको पता है, सबको पता है इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आपको जो पता है वो सबको पता है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो गाइज ये एक एडवांस था, ठीक है, मैंने बता दिया सिर्फ इस वीडियो पे, बाकी 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किया। ये था गाइज फिफ्थ नंबर का पॉइंट। तो गाइज इस वीडियो पे मैंने 5 पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किया है वीडियो टॉपिक्स फाइंड करने का, जो कि इसको छोड़ करके और आपका कोई सोर्स नहीं होता है यूट्यूब वीडियो फाइंड करने के लिए। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है। आप बताना इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और सारे दोस्तों मुझे इंस्टा पे आप लोग जरूर फॉलो करना, मेरा यूजर नेम है मनोज23, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे। चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।